नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा, और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। और सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बिहार में बालू धंधा करने वाले हो जाए सतर्क, एक्शन में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, अब ड्रोन से होगी बालू खनन की निगरानी। नीतीश कुमार बाढ़ पीड़ितों को देंगे राहत राशि, आज सीएम देंगे 7,000 की अनुग्रह राशि, बाढ़ प्रभावित 3.21 लाख परिवारों को मिलेगी सहायता। पटना एयरपोर्ट में नई उड़ान सेवाओं की तैयारी, विदेशों के लिए सीधे फ्लाइट जल्द होंगी शुरू, काठमांडू म्यांमार और सिंगापुर के लिए उड़ानें मार्च से। बिहार में 23 जिलों में राजस्व कार्यक्रमों की होगी जांच, अधिकारियों के भ्रमण के लिए रोस्टर का निर्देश, भूमि सर्वेक्षण और जन शिकायतों की होगी समीक्षा। और नीतीश रेड्डी का दूसरे ही मैच में बड़ा कीर्तिमान, 34 गेंद में ठोकी 74 रन की विस्फोटक पारी, 21 साल की उम्र में जीता पहला PTOM पुरस्कार। अब खबरें विस्तार से। बिहार सरकार ने बालू खनन के निगरानी के लिए ड्रोन तकनीक का सहारा लेने का निर्णय लिया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बुधवार को इस संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। बता दें कि बरसात के बाद 15 अक्टूबर से बालू खनन शुरू होगा और ड्रोन के माध्यम से घाटों की चौहद्दी की निगरानी की जाएगी, ताकि अवैध खनन पर अंकुश लगाया जा सके। विजय सिन्हा ने बताया कि अवैध खनन की सूचना देने वाले लोगों की गोपनीयता का ध्यान रखते हुए उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। इसके साथ ही सेकेंडरी लोडिंग के लेखा जोखा में सुधार के लिए नियमों में बदलाव किया जाएगा। पिछले साल की तुलना में राजस्व में 80% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो इस साल के सितंबर में 1,034 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। खनन कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी घाटों और जिला कार्यालयों में बैनर भी लगाए जाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महाअष्टमी के अवसर पर बाढ़ पीड़ितों को बड़ी राहत देने जा रहे हैं। बता दें कि आज सीएम बाढ़ प्रभावित परिवारों को 7,000 की अनुग्रह राशि देंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री ने पहले ही घोषणा किया था कि वे बाढ़ प्रभावित परिवारों को 7,000 की अनुग्रह राशि देंगे, तो आज ये राशि सीधे बाढ़ प्रभावित परिवारों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से भेजी जाएगी। कार्यक्रम आज शाम 4 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगभग 3,21,792 बाढ़ पीड़ित परिवारों को ये सहायता राशि प्रदान करेंगे। बता दें कि कुल 48,000 परिवारों को अनुग्रह राशि दी जाएगी। ये कदम बाढ़ की तबाही से उबरने में मदद करेगा और प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहारा भी प्रदान करेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवरात्रि की अष्टमी के दिन पटना सिटी के अगम कुआ स्थित शीतला माता के मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने 2005 से इस परंपरा को निभाते हुए लगातार 18वीं बार शीतला माता के दर्शन किए। इस अवसर पर उन्होंने बड़ी पटन देवी, छोटी पटन देवी और मारूफगंज की बड़ी देवी जी की भी पूजा की। शीतला माता मंदिर पटना के प्राचीन देवी मंदिरों में से एक है, जहाँ नवरात्रि के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। वही मुख्यमंत्री ने बिहार वासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए देश में अमन चैन की कामना की। अब चलिए एक महत्वपूर्ण खबर से रूबरू करवा देते हैं, जहां आज 10 अक्टूबर से बिहार में कैंसर की 3 दवाएं सस्ती हो जाएंगी। बता दें कि आज से इन दवाओं पर GST की दर 12% से घटकर 5% कर दी गई है। यह निर्णय GST परिषद की 54वीं बैठक में लिया गया था, जिसका उद्देश्य है कि जनता को सस्ती चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना। इसके अलावा नमकीन पर भी कर की दर को 18% से घटाकर 12% किया गया है। मेटल स्क्रैप में करों की चोरी को रोकने के लिए भी नया नियम लागू किए गए हैं। सरकारी और शैक्षणिक संस्थानों के लिए भी कई राहत दी गई हैं, जिसमें रिसर्च और डेवलपमेंट सेवाओं पर कर से छूट शामिल है। नए साल में पटना एयरपोर्ट से हवाई यात्रियों को विदेशों के लिए सीधी उड़ान सेवाएं मिलेंगी। नए टर्मिनल बिल्डिंग की मार्च महीने तक पूरी तरह तैयार होने के बाद इमिग्रेशन काउंटरों को भी एक्टिव करने की तैयारियां जो है तेज हो गई हैं। अगले साल मार्च से काठमांडू म्यांमार और सिंगापुर के लिए उड़ान सेवाएं शुरू होने की संभावना है। बता दें कि वर्तमान में पटना के यात्रियों को विदेश यात्रा के लिए अन्य शहरों जैसे दिल्ली या कोलकाता जाना पड़ता था, लेकिन नई योजनाओं के तहत उन्हें सीधे पटना एयरपोर्ट से उड़ान भरने की सुविधा मिलेगी। AAI की योजना है कि पटना एयरपोर्ट को जल्द से जल्द अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं के लिए तैयार किया जाए, जिससे यात्रियों के समय और पैसे की बचत हो सके।
हाल ही में सरकार ने निर्णय लिया है कि विधायक निधि से अब ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर लाइट नहीं लगाई जा सकेगी। योजना एवं विकास विभाग ने इसके कार्यान्वयन पर रोक लगाने का फैसला किया है। बता दें कि इस योजना को पंचायती राज विभाग संचालित करता है, जिसमें ब्रेडा के सहयोग से चयनित एजेंसी काम कर रही है, लेकिन दो विभागों द्वारा एक ही योजना के संचालन के कारण गड़बड़ी की शिकायतें भी सामने आ रही थी, जिसके बाद सरकार ने सतर्कता बरतते हुए इस पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री ग्राम निश्चय योजना पार्ट 2 के तहत मुख्यमंत्री ग्राम सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का काम तेजी से प्रगति पर है। कुल मिलाकर 8.77 लाख सोलर लाइट लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे अगस्त 2025 तक पूरा करने की योजना है। पटना नगर निगम को केंद्र सरकार से वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए 30 करोड़ 39 लाख रुपए की इंसेंटिव ग्रांट मिली है। ये राशि विशेष रूप से वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए उपयोग की जाएगी। पिछले कुछ वर्षों में नगर निगम के प्रयासों का सकारात्मक असर देखने को मिला, जिसके कारण पट्टा को ये पुरस्कार मिला। केंद्र सरकार ने कुल 375 करोड़ 25 लाख रुपए की ग्रांट 36 शहरों को जारी की है, जिसमें पटना तीसरे स्थान पर है। राष्ट्रीय वायु स्वच्छ कार्यक्रम के तहत 2024 में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की रिपोर्ट में पटना का 14वां स्थान था। ऐसा पहली बार हुआ है जब पटना को PM10 की मात्रा में कमी के लिए इंसेंटिव के तौर पर 13.71 करोड़ और वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार पर 16.09 करोड़ रुपए इंसेंटिव ग्रांट मिला है। उद्योगपति रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। बीते रात 86 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के ब्रिज कैंटी हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। वही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सहित कई राजनीतिक नेताओं ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि भारत ने एक अनमोल रत्न खो दिया। वही पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वे मानवीय मूल्यों और परोपकार में आस्था रखने वाले एक विजनरी लीडर थे। सभी ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। बिहार राज्य के मठ और मंदिरों के प्रबंधन में सुधार के लिए पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। न्यायमूर्ति राजीव रॉय की एकलपीठ ने बड़ी देवी जी के प्रबंधक न्यास समिति के पुनर्गठन का आदेश दिया है। ये निर्णय प्रहलाद कुमार यादव और अन्य द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान लिया गया। कोर्ट ने कहा कि संबंधित जिले के जिलाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी को विज्ञापन में आए इच्छुक नागरिकों के आपराधिक इतिहास की जांच कर धार्मिक न्यास बोर्ड को अनुशंसा भेजनी होगी। केवल इसी आधार पर न्यासियों का चयन किया जाएगा। न्यायमूर्ति रॉय ने धार्मिक न्यास बोर्ड की कार्यशैली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि बोर्ड आपराधिक छवि वाले लोगों को न्यासी बना रहा है, जिससे धार्मिक स्थलों की छवि पर बुरा असर पड़ रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के वरीय अधिकारियों की एक टीम जिला और अंचल स्तर पर जाकर राजस्व भूमि सर्वे और बंदोबस्त कार्यक्रम की जांच करेगी। यह निर्णय मुख्य सचिव के निर्देश पर लिया गया है। विभाग के सचिव जय सिंह ने 23 जिलों के समाहर्ता को निर्देश दिया है कि वे अक्टूबर में इन अधिकारियों के जिला एवं अंचल भ्रमण के लिए एक रोस्टर तैयार करें। उन्होंने कहा इस जांच का मुख्य उद्देश्य राजस्व संबंधी कार्यों में आने वाली कठिनाइयों का समाधान करना है। विशेष सर्वेक्षण, भू लगान, भूमि हस्तांतरण और अन्य महत्वपूर्ण मामलों की समीक्षा की जाएगी। निदेशक जे प्रियदर्शनी भोजपुर, पश्चिमी चंपारण, नवादा और बांका में विशेष सर्वेक्षण की जाँच करेंगे, जबकि अन्य निदेशक और संयुक्त सचिव विभिन्न जिलों में निरीक्षण के लिए जाएंगे। बिहार में जल संसाधन विभाग में लगभग 6000 जूनियर इंजीनियरों की बहाली की प्रक्रिया तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्तियों को हरी झंडी मिलने के बाद जल संसाधन विभाग ने तकनीकी सेवा आयुक्त से परीक्षा परिणाम जल्द प्रकाशित करने का अनुरोध किया। मुख्यालय के अभियंता प्रमुख मिथिलेश कुमार दिनकर ने आयोग के सचिव को पत्र लिखकर संबंधित विभागों को अनुशंसा करने की बात कही। इसके साथ ही पंचायती राज विभाग में भी 4000 नई नौकरियों का रास्ता जो है अब साफ हो चुका है। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया हुआ है। शिक्षा विभाग में पहले ही 5 लाख भर्तियां की जा चुकी हैं। आगामी चुनाव के मद्देनजर सभी विभागों में रिक्तियों की तलाश जारी है।
राज्य में गंगा नदी के किनारे बसे 27 शहरों में 37 सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट परियोजनाएं नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत स्वीकृत की गई हैं। इनमें से 14 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 15 पर काम चल रहा है। नगर विकास एवं आवास विभाग के अनुसार करमलीचक, मोकामा, बख्तियारपुर, छपरा, फुलवारी शरीफ, बेगूसराय और हाजीपुर जैसे शहरों की 8 परियोजनाएं 90% तक पूरी हो गई हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गंगा में सीधे गंदा पानी गिरने से रोकना है। पटना शहर में 1165 किलोमीटर का सीवरेज नेटवर्क तैयार किया जा रहा है, साथ ही 11 एचटीपी की 350 एमएलडी क्षमता की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। दीघा और कंकड़बाग एचटीपी का कार्य करीब 50% पूरा हो चुका है, जबकि अन्य शहरों में भी एचटीपी परियोजनाओं का काम प्रगति पर है। बिहार में रहने वाले लोगों को जल्द ही 2 नई उड़ानों की सौगात मिल सकती है। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के मुताबिक विमानन कंपनी इंडिगो ने दरभंगा से दिल्ली और मुंबई के लिए उड़ान शुरू करने का आवेदन किया है। यदि मंत्रालय से स्लॉट मिल जाता है तो ये सेवा 1 दिसंबर से शुरू हो सकती है। बता दें कि वर्तमान में दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और हैदराबाद के लिए कुल 5 जोड़ी उड़ानें उपलब्ध हैं। नई उड़ान सेवा के अंतर्गत दिल्ली के लिए ये सेवा रोजाना होगी, जबकि मुंबई के लिए सप्ताह में 4 दिन उड़ान भरी जाएंगी। इंडिगो और स्पाइस जेट की सेवाएं यहाँ पहले से ही चल रही हैं और उम्मीद है कि अन्य कंपनियाँ भी दरभंगा से उड़ान सेवाएँ शुरू करने के लिए आवेदन करेंगी। राजधानी पटना में पुलिस ने विशेष जांच अभियान चलाते हुए 30 लाख रुपए के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक का नाम अभिषेक आनंद है, जो मखदुमपुर देघा का निवासी बताया जा रहा है। पटना के पाटलिपुत्र स्टेशन पर आए दिन चोरी और छिनतई की घटनाओं को देखते हुए रेल पुलिस ने सघन जांच अभियान शुरू किया था। जांच के दौरान युवक के पास से एक बैग से 30 लाख रुपए बरामद हुए। पूछताछ में अभिषेक ने बताया कि वह हाईकोर्ट में ठेकेदारी का काम करता है और ये राशि मजदूरों की मजदूर के लिए कटिहार स्टेशन से डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन से लाया गया था। हालांकि बरामद रकम के सही लेखा जोखा का कोई प्रमाण नहीं मिलने पर रेल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। दिल्ली के अरुण जेटली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए दूसरे T20 इंटरनेशनल में युवा ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी ने शानदार प्रदर्शन कर क्रिकेट प्रेमियों को प्रभावित कर दिया। नीतीश रेड्डी ने एक ही मैच में 70 से ज़्यादा रन बनाने और गेंदबाजी में 2 विकेट लेने का अनोखा रिकॉर्ड बनाया। टॉस जीतकर बांग्लादेश ने पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया, लेकिन नीतीश ने रिंकू सिंह के साथ मिलकर 4th विकेट के लिए 108 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की। नीतीश ने 34 गेंदों में 74 रन बनाते हुए 4 चौके और 7 छक्के लगाए। इसके साथ ही उन्होंने 4 ओवर में 23 रन खर्च करते हुए 2 विकेट भी चटकाए। इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला है। नीतीश रेड्डी अब T20 इंटरनेशनल इतिहास में एक ही मैच में 70 से ज्यादा रन और 2 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है चंदन कुमार, नूनू गोलू, राकेश मिश्रा, जितेंद्र ठाकुर, रंजीत मिश्रा, संजीव कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, छोटू रजा, रूपा कुमारी, गोलर शर्मा, बाबूलाल मरांडी, नौसाद रजा, राम बाबूदास, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, रंजीत मिश्रा, कामेश्वर सिंह, रवि शंकर शाह, मोहम्मद आबिद, अनवर करीम खान, सपना कुमारी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, आपका पसंदीदा दुर्गा पूजा का पंडाल कौन सा है और क्यों है? आप अपना जवाब हमें हमारी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए बिहारी न्यूज देखते रहिए। और इसके साथ अगर आप यूट्यूब चैनल पर हमें देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।